The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So premature infant ya premature birth kya hota hai? See, ek premature infant ek aisa baby hai jo ke 37 weeks complete karne se pehle hi paida ho gaya. Matlab jo unki due date thi usse 3 hafte pehle, yani ke जब भी प्रेगनेंसी ये हुआ है, कंसीव हुआ है, उससे 37 weeks राइट कंप्लीट होने से पहले पहले ही पैदा हो गया है, उसे हम प्री मेच्योर इन्फेंट कहते हैं, राइट. सो इसमें तीन तरीके की और चीज़ें आपको समझनी है बेबी की. एक प्री मेच्योर होता है, एक फुल टर्म होता है, एक पोस्ट टर्म होता है. प्री मेच्योर का मतलब है प्रेगनेंसी से 37 हफ्ते जेस्टेशन से पहले पैदा होने वाला, दैट इज 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले, लेस देन 37 वीक्स. फुल टर्म होता है 37 टू 42 वीक्स. यस, अगर 42 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं या 37 के ऊपर हो गए हैं, देन इट इज अ फुल टर्म प्रेगनेंसी. पोस्ट टर्म होता है अगर 42 के बाद हो, 42 वीक्स हो जाने के बाद, इफ द बेबी इज बॉर्न आफ्टर 42 वीक्स, दैट इज पोस्ट टर्म. सो अगर एक लेडी, एक विमेन जो के प्रेग्नेंट है, वो लेबर में चला जाती है, लेबर में चले जाती हैं 37 वीक्स, लेबर मतलब डिलीवरी हो रही है 37 वीक्स से पहले, तो उसे प्री टर्म लेबर कहते हैं, लेबर, प्री टर्म लेबर, ठीक है. सो लेट प्री टर्म बेबीज भी होते हैं. लेट प्री टर्म का मतलब होता है जो 35 से 37 वीक्स के बीच में पैदा. ऑब्वियसली 37 वीक से पहले पैदा हो रहे हैं तो कोई 35 वीक में, कोई 30 वीक में, कोई 32 वीक में भी पैदा हो सकता, 32 वीक्स में, कोई 35 वीक्स में, कोई 36 वीक्स में. सो इसमें जो 35, 36, 37 इस वीक में होता है, 35, 36, 35 टू 37 वीक्स, वो ऑल्दो दे आर प्री मेच्योर, दे आर प्री टर्म, मगर हो सकता है कि वो प्री मेच्योर प्री टर्म ना दिखें, क्योंकि दिखने में एक बच्चा छोटा दिखता है प्री टर्म में, छोटू सा, सो छोटा ना दिखे. और उनको जो प्री टर्म बच्चे को स्पेशल केयर चाहिए, प्री टर्म बच्चे को जो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU में रखा जाता है, वो शायद ना रखा गया हो, रखा जाए, क्योंकि वो लेट प्री टर्म है. क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है, जितना प्री टर्म बच्चा होगा उतना उसको हेल्थ रिस्क बढ़ेगा. ऑब्वियसली अंदर मेच्योर हो जाए तो उसके लंग्स सही से मेच्योर हो जाते हैं, लंग्स मेच्योर हो जाने के बाद वो सांस सही से ले पाता है दुनिया में आके. सो एक लेट प्री टर्म बेबी का मतलब है 35 से 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बीच में, और हो सकता है उनको उतना रिस्क ना रहे जितना के दूसरे प्री टर्म बच्चे को रहता. सो किन बच्चों को, किन किसको होता है ये प्री टर्म बच्चा? सो जो मदर है उनकी हेल्थ कंडीशंस के वजह से प्री टर्म हो सकते हैं. अगर मदर को डायबिटीज है, इफ शी हैज डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, तो ये सारे प्री टर्म लेबर, यानी पहले ही 37 वीक्स कंप्लीट हो जाने के पहले ही लेबर में चले जाने के चांसेस हो जाते हैं. और भी कई कारण हैं जो अननोन हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं. तो और प्री टर्म बर्थ मल्टीपल प्रेगनेंसीज अगर हो तो हो जाते हैं, जैसे अगर ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपल्स हैं, यानी एक ही मादा के अंदर दो तीन बच्चे हैं तो, ठीक है. सो कई सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो भी प्री टर्म लेबर या अर्ली डिलीवरी के कारण बनते हैं. प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण कौन से? अगर मान लो फीमेल का सर्विक्स, नीचे वेजाइना के अंदर सर्विक्स जो है वो वीक है, और जो डायलेट होने लग जाए जल्दी जल्दी, दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. सर्विक्स सही से पकड़ के ना रख पा रहा हो, प्रेशर से इतना भार है, खुलते जा रहा, वन कारण. सेकंड,
अगर यूट्रस जो है यानी गर्भाशय में ही कोई बर्थ डिफेक्ट है, यानी बचपन से यूट्रस मान लो छोटा है, उसमें सेप्टा है, उसमें जगह कम है, वट एवर बर्थ डिफेक्ट, पहले से ही बचपन से मादा के मदर के अंदर यूट्रस में डिफेक्ट है, तो अगर प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, पहली बार एक बार प्री टर्म डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा भी हो सकती है, या अगर इन्फेक्शन हो जाए पेशाब के नली में, यूरिनरी ट्रैक्ट में या अमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर, तब भी प्रीटर्म हो सकता है। इवन अगर मदर सही से न्यूट्रिशन ना ले, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से भी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। फिर प्री एक्लैम्पशिया, मतलब अगर 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के हो गए है उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए मदर का, तो भी प्री एक्लैम्पशिया बोलते हैं उसको, और तो भी उसके वजह से प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। और ऑब्वियसली प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जैसे बोलते हैं पानी वो आ जाता है ना, मेम्ब्रेन फूट जाता है, पानी फूट जाता है, पानी आ जाता है मदर का, वो पहले हो जाए, वो तब होता है अगर प्लासेंटा प्रीविया यानी बच्चे का जो पीछे का प्लासेंटा होता है वो आगे आ जाए, आगे के साइड राइट आगे के साइड प्लासेंटा है, तो भी ऐसा होता है। सो ये सारे रीजन हैं दोस्तों प्री मेच्योर बेबी होने के, राइट। प्री मेच्योर और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर मदर की एज बहुत ही छोटी है या बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, 16 साल से पहले है या 35 साल से ऊपर, 16 से पहले 35 से ऊपर 16, लेस देन 16 मोर देन 35, या फिर अगर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले कोई भी केयर नहीं की गई, प्रेगनेंसी से पहले कायदे से आपके विटामिन डिफिशेंसीज को करेक्ट करना चाहिए, आपके अगर बहुत ही ज़्यादा वजन कम है, बहुत ही ज़्यादा वजन ज़्यादा है तो उसको थोड़ा करेक्ट करके फिर प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। सो इफ़ हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीब है, खाना नहीं मिलता सही से, तो ऑब्वियसली ऐसे न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी होगी, तो आपका बॉडी उतना नहीं उसको रख पाएगा अंदर, तो जल्दी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाएगा। या फिर अगर आप मदर टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, कोकेन या कोई भी ड्रग्स, एम्फिटामिन्स, कोई भी ड्रग अब्यूज कर रही हैं तो भी ऐसा होता है, या अफ्रीकन अमेरिकन लोगों में ऐसा ज़्यादा पाया जाता है। सो दिस इज ऑल द रीजंस व्हाई यू कैन हैव अ प्री मेच्योर बेबी। प्री मेच्योर बच्चे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लंग्स, उनके फेफड़े सही से डेवलप नहीं होते हैं, और उनमें दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट। बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको उसका अगर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए उसकी बॉडी उसको नहीं झेल पाती, सो बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में उनको दिक्कत होती, इसीलिए उनको आईसीयू में रखा जाता है, बॉडी टेम्परेचर सही से मैनेज किया जाता है एंड उनकी ब्रीदिंग असिस्ट की जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो उनको जो भी ऑक्सीजन से लेके इवन कई बार वेंटिलेटर तक की जरूरत पड़ जाती है प्री मेच्योर बच्चों को, अगर दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो, राइट। फिर कैसे पता चलेगा प्री मेच्योर बच्चे में क्या साइन एंड सिम्टम है, ब्लड टेस्ट होते हैं तो क्या निकलता है? अगर हम साइन सिम्टम देखेंगे तो प्री मेच्योर बच्चे में एनीमिया यानी खून की कमी, रेड ब्लड सेल्स की कमी के साइन सिम्टम्स होते हैं, मतलब वो पेल दिख सकता है, ब्लड टेस्ट में ऐसा आ सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है कई बार उनके, इन्फेक्शन हो सकता है प्री मेच्योर बच्चे के आसपास, नियोनेटल सेप्सिस, शुगर लो हो सकता है मदर का या प्री मेच्योर बच्चे का, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत, जो लंग के अंदर एक्स्ट्रा एयर है, एम्फाइसीमा जैसी चीज़ भी हो सकती है, और लंग्स के अंदर ब्लीडिंग, पल्मोनरी हिमोरेज भी हो सकती है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जितना प्री मेच्योर बच्चा होता है कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ते जाते हैं, हर केस में यही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कुछ नहीं, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, हर एक चीज़ फिक्स नहीं होती है, राइट। कई बार न्यूबॉर्न जॉन्डिस जिसको जैसे पीलिया होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है प्री मेच्योर बच्चों में, और ज़्यादा गहरा होता है, येलो स्किन हो जाती है, आईज़ जो येलो हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, राइट। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, एज आई सेड उनके लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते, निमोनिया, डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट हो सकता है, ये हार्ट की अंदर होता है, सो ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उनका पेट में मोशन ना आए, ऐसी चीज़ें हो, सिवियर इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, सो ये सारी चीज़ें हो सकती है। लो बर्थ वेट
प्री मेच्योर बच्चे के साथ भी हो सकता है। लो बर्थ वेट का क्या मतलब कि प्री मेच्योर है लेकिन वजन भी कम है। लो बर्थ वेट फुल टर्म में भी हो सकता है, लेकिन लो बर्थ वेट का मतलब है जितना वजन होना चाहिए बर्थ पे उतना नहीं है, उससे थोड़ा कम है, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट वीडियो बनाएंगे लो बर्थ वेट पे। इसके साथ और क्या सिम्टम्स आएंगे, बच्चा जब पैदा होगा तो लो बर्थ वेट साथ में होता है तो और भी सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, एक तो ब्रीदिंग पैटर्न होगा कि जो छोटा छोटा सांस ले रहे हैं, इरेगुलर बीच बीच में रुक रहा है ब्रीदिंग में, इरेगुलर पॉजेज हो रहे हैं, एपनिक फेजेस जिसको बोलते हैं वो हो रहे हैं, बॉडी हेयर उसके कम है या फिर बॉडी फैट बहुत कम है, फीमेल में बच्चों में क्लाइटोरिस उनका बहुत ज़्यादा बड़ा दिख सकता है और मसल टोन कम हो सकती है कि हाथ पैर का जो मूवमेंट है बहुत ही हाथ छोड़ दे रहे हैं बच्चे। सो ये सारे साइंस हैं मसल टोन और खाना में प्रॉब्लम होना, फीडिंग उनको निगलने में प्रॉब्लम होना, स्क्रोटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्लेक्स ईयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल होना, कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होना, हड्डियाँ बहुत पतली होना या स्किन बहुत ही ज़्यादा पतले होना, ये सारी चीज़ें कि अंदर की पूरी नसें दिख रही है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो ऐसे कंडीशन में बच्चों में भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जी हाँ किए जाते हैं, उनका ABG ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज कैल्शियम और कई बार बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस को देखने के लिए छाती का एक्सरे किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ेगी तो कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस ब्रीदिंग और हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की जाती है, कंटिन्यूस कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा भाई जब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, NICU में न्यूनेटल ICU में बच्चे को हर प्रकार का मैनेजमेंट दिया जाएगा, कभी कभी उनको वेंटिलेटर सपोर्ट में भी लेना पड़ सकता है, लाइक आई सेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो ऊपर से बाईपैप CPAP भी दिया जा सकता है, CPAP जैसा दिया जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है प्लेन सिंपल, और नर्सरी में रखा जा सकता है जब तक उनको खुद से ये सपोर्टिव चीज़ करने ना लग जाए कि भी सांस लेने लग जाए, राइट, प्रॉपर मुंह से खाने लग जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने लग जाए, कुछ ढंग का बॉडी वेट आ जाए, तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनको हॉस्पिटल में ज़्यादा रहना पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल द बेसिक अबाउट प्री मेच्योर इन्फेंट। याद रखिए प्री मेच्योरिटी पहले सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होती थी बच्चों में, जो बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते उनका, लेकिन बिकॉज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो गई हैं तो अब सर्वाइवल काफ़ी अच्छा हो गया है प्री मेच्योर बच्चों का, लेकिन आपको जल्द से जल्द पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद और खुद के बच्चों का ख्याल रखें, अब प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से जाके बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पूरा प्रीनेटल एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर प्रॉपर, प्रेगनेंसी से पहले बीच में बाद में प्रॉपर केयर होनी चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो और सारी चीज़ें समझ में आई, दिस इज गुड थिंग, गुड नाइट, टेक केयर।